नमस्कार दोस्तों, भारत माता की जय। अभी आपने देखा मेरी कितनी बुरी हालत थी जब मुझे कोविड पॉजिटिव हो गया था। बॉडी में भयंकर दर्द, फीवर, आंखों के पीछे पेन, कोल्ड, कॉफ, छाती में, चेस्ट में हेवीनेस और काव्स में इतनी दर्द, ऐसा लगता था जैसे जान निकल रही हो। लेकिन ये कॉमन सिम्टम्स थे, ये मैंने सुने भी थे, पढ़े भी थे, और चूंकि हमारी एम्बुलेंसेस कोविड पेशेंट्स की सेवा कर रही थी तो हमने ये सिम्टम्स देखे भी थे। लेकिन मैं जब घबराया, जब मुझे ऐसे अजीब अजीब सिम्टम हुए जो मैंने अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। जब मैं लेटा होता था या बैठा होता था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे 24 घंटे मैं अर्थक्वेक में हूं, भूचाल आ रहा है, चीजें हिल रही हैं, थिंग्स वर शेकी, ऐसा लगता था सब कुछ शेक कर रहा है। बड़ी गंदी फीलिंग थी। दूसरा था पैनिक अटैक, मुझे पैनिक अटैक आने शुरू हो गए थे। कुछ घंटे में ठीक रहता था और फिर अचानक मुझे एकदम से जोर की सांस आती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं मौत के मुंह में जा रहा हूं, हाय मेरे साथ क्या हो गया। तो मुझे ऐसा लगता था जैसे अब मैं नहीं बचूंगा। एकदम से पूरी बॉडी के अंदर बहुत जबरदस्त घबराहट शुरू हो जाती थी। मैंने अपने डॉक्टर से पूछा, कंसल्ट किया फोन पर, उन्होंने मुझे बताया कि ये पैनिक अटैक्स हैं, तुम्हें पैनिक अटैक्स आ रहे हैं और कुछ पेशेंट्स को ये पैनिक अटैक्स आ जाते हैं। तीसरा सिम्टम भी बहुत अजीब था, डिस्टॉर्टेड विजन। मुझे लगता था मेरी विजन डिस्टॉर्ट हो गई है। जब भी मैं कोई चीज देखता था आंखें खोलकर, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो पानी की बॉटल हो, चाहे मेरा बेड हो, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे चीजें बाउंस कर रही हैं, यानी ऊपर नीचे हो रही हैं। मेरी विजन स्टेबल नहीं थी, मुझे लगता था चीजें कूद रही हैं, जैसे चाहे वो फोन हो, चाहे वो टीवी हो। मैं वॉशरूम जाता था, मैं अपना मुंह धोता था तो मुझे लगता था शीशा बाउंस कर रहा है, हर चीज मुझे बाउंस करती नजर आती। बहुत घबरा गया था। चौथा सिम्टम भी बहुत अजीब था, मुझे ऐसा लगता था जैसे आवाज मुझे पीछे से आ रही है। टेलीविजन मेरे सामने चल रहा होता था, फोन मेरे हाथ में होता था, स्पीकर में अगर मैं किसी से बात कर रहा होता था तो आवाज ऐसा लगता था जैसे पीछे से आ रही है। ये सिम्टम ने मुझे बहुत डरा दिया था। मैं अगर इन सबको क्लब करके देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोरोना वायरस मेरे माइंड के साथ टेम्पर कर रहा है। आई फेल्ट लाइक माई माइंड इज मूविंग इन टू द स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। मुझे ऐसा लगने लग गया था जैसे मेरा माइंड इम्बैलेंस हो गया, कि जैसे मेरा अपने माइंड पर कंट्रोल ही नहीं रहा। और पांचवा सिम्टम, उस सिम्टम ने तो मुझे इतना डरा दिया, शायद मुझे किसी सिम्टम ने इतना नहीं डराया। आई स्टार्टेड फॉरगेटिंग थिंग्स। मुझे ये नहीं याद रह रहा था कि मैंने अभी एक घंटे पहले कौन सी मेडिसिन खाई है, मैंने किसे अभी फोन किया है, मैंने अभी मेडिसिन ली है नहीं ली, खाना खाया नहीं खाया। मैं अभी किसी की कॉल काट के हटाऊं एक मिनट पहले, मुझे याद ही नहीं मैंने उससे क्या बात करी। मेरे डॉक्टर से मेरी वीडियो कॉलिंग हुई, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम्हें और क्या क्या हो रहा है। जो जो मुझे हो रहा है मैं वही भूल गया था, मुझे क्या क्या हो रहा है। उन्होंने मुझे दवाई बताई, मैं भूल गया। मुझे बात करते हुए ऐसा लगने लग गया था जैसे मुझे पता ही नहीं मैं बोल रहा हूं, पता नहीं आवाज कहां से आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे मुंह से आवाज ही नहीं आ रही। आई वॉज स्पीकिंग बट इट फेल्ट लाइक आई एम कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ व्हाट आई एम स्पीकिंग और हाउ आई एम स्पीकिंग। एक बहुत अजीब और बहुत डराने वाली फीलिंग थी। आई मीन लिटरली मेमोरी स्किप हो जाना। कॉमन सिम्टम्स रहते, मुझे कोई घबराहट नहीं थी, लेकिन इन अजीब अजीब सिम्टम्स ने मुझे एक बार को बहुत डरा दिया था। मैं पैनिक कर गया था, लेकिन मैंने अपने माइंड को पॉजिटिव रखने की कोशिश की, अपने डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे एक एक सिम्टम के बारे में पूछा, उन्होंने मुझे बताया, और जो जो उन्होंने मुझे बताया उनकी बातों को मैंने जो रिसर्च ऑनलाइन अवेलेबल होती है उनसे कोरिलेट भी किया जितना मैं कर सका। और ये सब चीजें देखने के बाद, सुनने के बाद, मैंने एक चीज तय की कि मैं अपना मोरल डाउन नहीं करूंगा, मैं अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करूंगा, और सबसे बड़ी बात मैं ये सोचूंगा मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस कोरोना वायरस से मैंने कैसे फाइट किया, कैसे सर्वाइव किया और कैसे रिकवर किया। सबसे पहले तो मैंने कोरोना की दहशत को, कोरोना के डर को अपने माइंड पर, अपनी बॉडी पर
हावी नहीं होने दिया। मैंने एक ही बात अपने मन में सोची, वायरस है, दुनिया को हो रहा है, तुझे भी हो गया, ठीक हो जाएगा। आई ट्राइड कि मैं पैनिक ना करूं, मैंने अपना मोरल हाई रखने की कोशिश की, एटीट्यूड पॉजिटिव रखने की कोशिश की, काफी हद तक मैं उसमें सफल रहा और इसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया मुझे कोरोना वायरस से फाइट करने में। क्योंकि मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, कोरोना से ज्यादा कोरोना की दहशत आदमी को मार देती है, दहशत को अपने ऊपर हावी ना होने दें। सेकेंडली, मैंने अपने डॉक्टर से कांस्टेंट टच बनाकर रखा, सुबह शाम वीडियो कॉलिंग पर वो मेरे हेल्थ के अपडेट्स लेते थे। मैंने होम आइसोलेशन में घर पर बीपी पैरेटर्स, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और ऑक्सीजन सप्लीमेंट भी रखा हुआ। मैं अपने लेवल्स हर थोड़ी थोड़ी देर में चेक करके अपने डॉक्टर्स को अपडेट करता था। मेरे डॉक्टर्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मैंने उनकी दी हुई हर मेडिसिन को टाइमली लिया, इसमें एंटीबायोटिक्स भी थी, पेनकिलर्स भी थे और न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स भी थे। थर्ड, डाइट का बहुत ध्यान रखना होता है इसके अंदर। कोई भी हैवी चीज मैंने नहीं खाई, लाइट चीजें खाई, दलिया, खिचड़ी, दाल चावल, ऐसी फूड आइटम्स जो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाए। इसके अलावा मैंने सिट्रस फ्रूट्स बहुत खाए जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली। इनफैक्ट मेरी नौजिया फीलिंग को किल करने में सिट्रस फ्रूट्स ने मेरी बहुत हेल्प की। हाइड्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना, पानी पीते रहें, अगर आपको शुगर लेवल्स नहीं है तो इलेक्ट्रोल पाउडर भी पिएं। पानी बहुत जरूरी है, बॉडी के अंदर लिक्विड कंटेंट जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एपेटाइट लॉस हो जाता है, भूख लगनी कुछ दिन के लिए बंद हो जाती है, एक बार को आप एक टाइम का खाना छोड़ दें, लेकिन पानी और लिक्विड्स लेना ना छोड़ें। लिक्विड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे इस वायरस को फाइट करने में। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कोकोनट वाटर, एटलीस्ट दिन में दो बार नारियल पानी जरूर पिएं। इसके अलावा जो मुझे चेस्ट हैवी लगती थी और मुझे कभी कभी लगता था मुझे सांस लेने में थोड़ी दिक्कत लग रही है, मैं इसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता था। लंबी सांस इनहेल की, कुछ सेकंड्स के लिए रोकी और फिर धीरे धीरे एक्सहेल की। इससे मुझे अपने माइंड को स्टेबल करने में और मेरे चेस्ट को जो हैवी लगता था उसमें भी बहुत मदद मिली। इसके साथ ही स्टीम लेना मत भूलना, एटलीस्ट दिन में दो बार स्टीम लेनी चाहिए आपको। स्टीम आपको बहुत फायदा देगी, चेस्ट में कंफर्ट देगी, चेस्ट में जो आपके डिस्कम्फर्ट है, जो आपको टाइटनेस लगेगी या जो एक हैवी फीलिंग होती है उसको रिलीव करने में हॉट वाटर स्टीम बहुत यूजफुल है। गॉगल्स, गर्म पानी के गरारे, मैं दिन में दो बार करता था। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर एक, भगवान अगर आप कोविड पॉजिटिव हो, लेकिन ये वायरस किसी को भी हो सकता है। इन केस यू गेट कोविड पॉजिटिव, डू नॉट रश टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली, सीधा हॉस्पिटल को ना भागे। अनलेस यू हैव अ वेरी सीरियस कंडीशन, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 93 से नीचे चला जाता है, आपके चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन है या आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लग रही है, इन दैट केस यू नीड टू गेट हॉस्पिटलाइज्ड। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल है, एसिम्टोमेटिक है या आपको कॉमन माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो आप घर पर रहकर होम आइसोलेशन में भी ठीक हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। जब आप होम क्वारंटीन में या होम आइसोलेशन में जाने का फैसला लेंगे, आपको खाने का सामान, ग्रोसरी आइटम्स, सैनिटाइजेशन का सामान यानी सोप, एंटीसेप्टिक लिक्विड्स, सैनिटाइजेशन की लिक्विड्स, हैंड सैनिटाइजर्स, एक फर्स्ट एड की किट, थर्मामीटर्स, बीपी अपैरेटस, पल्स ऑक्सीमीटर और मेडिसिन, जो भी आपके डॉक्टर्स आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, इन सब चीजों का आप एक बफर स्टॉक बनाकर रखें। कम से कम 20 दिन का स्टॉक खाने पीने की चीजों का, दवाइयों का बनाकर अपने घर पर रखें, क्योंकि जब तक आपका क्वारंटीन या आइसोलेशन खत्म नहीं हो जाता, आपके घर कोई नहीं आने वाला, ना सरकार किसी को भेजने वाली है आपके घर में खाना देने के लिए, और ना ही आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स इतनी हिम्मत कर पाएंगे कि आपको कोरोना पॉजिटिव है, आप आइसोलेशन में हैं और वो आकर आपकी हेल्प कर पाए। इसके साथ साथ प्लीज ये भी ध्यान रखना कि आपके घर का जो वेस्ट है, यानी जो आपके घर में डस्टबिन रोज फुल होगा, चाहे वो टिश्यू पेपर से फुल हो, चाहे आप उसमें अपने ग्लव्स फेंकेंगे, अपने मास्क फेंकेंगे या कुछ भी चीजें आप बिन करते हैं, वेस्ट में डालते हैं, वो बिन्स
कैसे आपके घर से बाहर जाएंगे, क्योंकि हमने भी ये चीज एक्सपीरियंस करी। कोई भी वेस्ट जो घर का होता है, डस्टबिन खाली करने यहाँ नहीं आता था, डरते थे लोग। बट यू हैव टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स बिफोर यू मूव इनटू होम आइसोलेशन। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या नहीं करना है। सबसे पहले आपको अल्कोहल, स्मोकिंग, इन चीजों को क्विट करना है। किसी भी तरीके का इंटॉक्सिकेशन अगर आप ले रहे हैं, चाहे वो अल्कोहल हो चाहे वो स्मोकिंग हो, यू शुड इमीडिएटली गिव अप, बिकॉज आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको अल्कोहल और स्मोकिंग किल करते हैं, और इम्यून सिस्टम अगर आपका वीक होगा तो आप कोरोना वायरस को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कई लोग तो मजाक करते हैं, वो कहते हैं कि हाथों में जो हम सैनिटाइजर लगाते हैं उसमें भी तो अल्कोहल होता है, अगर आप अल्कोहल का इंटेक लोगे, आप अल्कोहल लोगे तो आपके अंदर का वायरस भी मर जाएगा। ये मजाक बहुत भद्दा मजाक है, इन चक्करों में ना पड़े। अल्कोहल और स्मोकिंग आपकी इम्यूनिटी को किल कर देगी और इवेंचुअली आपको किल कर देगी। सो इट इज माई हम्बल अपील टू यू ऑल, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। अपनी बॉडी को एग्जर्ट ना करें, थकाए ना, जितना हो सके लेटे रहें, लेट कर ही काम करें। जितना आप लेटेंगे उतना आप ज्यादा रिकवर करेंगे, जितना आप उठकर काम करेंगे अपने रूम में उतना ही आपको थकावट महसूस होगी और उतनी ही आपको प्रॉब्लम्स पड़ेगी। कोरोना 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 ये सोचना बंद करें, माइंड में यही रखें कि आपको कोरोना नहीं, एक फ्लू है जो ठीक हो जाएगा। कोशिश करें अपने माइंड को ऑनलाइन किसी काम में, मूवी देखने में डाइवर्ट करें। मैंने भी यही किया, जब जब मुझे पैनिक अटैक आता था, जब जब मुझे लगता था मुझे बहुत घबराहट हो रही है या मैं बहुत फील करने लग रहा हूँ कोरोना को, मैं अपना ध्यान डाइवर्ट कर लेता था। मैं एम्बुलेंस जो हमारी चल रही है सेवाएं, उनको मॉनिटर करता था ऑनलाइन, सारा ध्यान उसमें लगाता था, रिपोर्ट जनरेट करवाता था, अपनी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम से बात करता रहता था, टच में रहता था, उससे मैं बिजी रहा। मेरा ध्यान, मेरी अटेंशन मैंने कोरोना वायरस को ना देकर डाइवर्ट करके एम्बुलेंस की सेवाओं को मॉनिटर करने में लगाई, अपनी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम से बात करने में, उनसे स्टेटस अपडेट लेने में लगाई, रिपोर्ट्स लेने में लगाई। मैं सारा दिन उनसे बातों में एंगेज रहता था, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली अपना ध्यान डाइवर्ट करने में। द मोर यू विल सिट आइडल, जितना आप खाली बैठेंगे उतना आपको ज्यादा कोरोना फील होगा और उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आपकी बढ़ेगी। तो दोस्तों ये मेरी जर्नी थी, इन तरीकों को अपनाकर मैंने कोरोना वायरस को फाइट किया और कोरोना वायरस को आपकी अरदासों से डिफीट किया। मैं चाहता हूं आप सब सेफ रहें, हेल्दी रहें। मैं आशा करता हूं इस पूरी वीडियो को देखकर आपको बहुत हेल्पफुल टिप्स मिलेंगे जो आपके बहुत काम आएंगे। भारत माता की जय।